चंद्रशेखर रावण को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात में रहते हुए उसको शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने पूरे देश के जाट समाज का अपमान किया है, तो वो सुन लें कि कुत्ते के पेशाब से उनकी मूंछें कटवाई जाएंगी और गधे पे बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला डाल के हम उनको निकालेंगे। अगर उनकी औकात है तो वो सामने आए और सामने आके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसे तो पता नहीं कितने भौंकते रहते हैं और भौंके चले जाते हैं। जब रावण दशानन रावण नहीं रहा तो इसकी क्या औकात है? अगर ये मथुरा में आ जाए तो इसकी बोटियों को नोच नोच कर खा जाएंगे इस क्षेत्र के लोग। वो कौन नहीं जानता, राजेश चौधरी उस विधायक का नाम है जिन्होंने 40 साल के तिलिस्म को तोड़ा है। संसद भवन का अपमान है जिसमें वो बैठता है। क्या ऐसी तुच्छ छोटी सोच का व्यक्ति, इतना बड़ा अनपढ़ जाहिल व्यक्ति संसद में चुन के गया है? वहां की जनता को भी इसने अपमानित कर दिया जिसने इसको वोट दिया है। अगर वो पूरे मथुरा में कहीं भी आकर दिखाए तो उसको उसने तो बोला है, और यहाँ की जनता जूतों से उसकी खाल उधेड़ने का काम करेगी, ये हम कह ही नहीं रहे। वो यहाँ आकर दिखाए तो हम करके भी दिखाएंगे। पिटे जाओ यहाँ से। सही कह रहे भाई साहब। उस रावण का भी घमंड नहीं रहा। ये 4 दिन के रावण क्या करेंगे, ब्रज में आए और अपना वेलकम करवाएं, हम जूते लेके हम भी खड़े। धड़ाई धड़ बजाएंगे उसके ऊपर, धड़ाई धड़ बजाएंगे। हाँ, उसकी खाल को उधेर के डाल देंगे अगर हमारे विधायक में भी यहाँ चाहिए तो। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त है मथुरा जिला, और मथुरा जिला इसलिए है कि जिस तरीके से जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने कहा कि मथुरा के विधायक को जूते पहनने चाहिए। आखिरकार इस तरह के जो माननीय सांसद होते हैं क्या उनकी भाषा शैली इस तरह की होनी चाहिए? एक निजी चैनल के अंदर जब राजेश चौधरी प्रवक्ता है यहाँ के माठ विधायक के माठ से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि मायावती जैसी जो मुख्यमंत्री रही वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, हमारी गलती हुई कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसी बात को लेकर के अखिलेश ने ट्वीट किया, उसके बाद मायावती जी का भी ट्वीट आया, उसके बाद बहुत सारा इस पर विवाद हुआ। आज हम सीधे उसी माठ विधानसभा से हैं जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है, और वो वहाँ की जनता क्या कहती है उनसे जुड़ते हैं। तो सीधे जुड़ते हैं कि आखिरकार माठ के लोग, मथुरा के लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रमोद चौधरी। तो आप कैसे देखते हैं, आपके विधायक को सीधे सीधे जूते मारने की धमकी दी जा रही है? देखिए, ये जो इन्होंने बोला है बहुत गलत बोला है। एक माननीय सांसद को माननीय विधायक के लिए ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर ये छोटे लोग हैं, उसने कहा तो विधायक जी के लिए, छोटे लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं। ऐसे छोटे लोग कंट्रोवर्सी पाने के लिए पूरे समाज पे और पूरे देश पे उंगली उठा देते हैं। ये लोग आए दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मा और नीच, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर रावण को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात में रहते हुए उसको शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने पूरे देश के जाट समाज का अपमान किया है। मायावती भ्रष्ट हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। उनके भाई के पास हजारों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं, वो कहाँ से आई? क्या उनका भाई कोई बिजनेसमैन है? क्या इनका बाप कोई उद्योगपति था? मायावती जी ने सब बेईमानी से इकट्ठा किया। अब भ्रष्ट को तो भ्रष्टी बोला जाएगा, चोर को क्या हरिश्चंद्र बोल देंगे? और बात रही उनकी जूते मारने वाली बात का जवाब, तो वो सुन लें कि कुत्ते के पेशाब से उनकी मूंछें कटवाई जाएंगी और गधे पे बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला डाल के हम उनको निकालेंगे। अगर उनकी औकात है तो वो सामने आए और सामने आके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसे तो पता नहीं कितने भौंकते रहते हैं और भौंक के चले जाते हैं। तो ऐसे भौंकने वालों के लिए यही हमारा जवाब है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से विधायक के ऊपर एक माननीय विधायक, माननीय सांसद ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, क्या जनता का अपमान नहीं है इसमें? इसमें जनता का अपमान है, उस सांसद, संसद भवन का अपमान है जिसमें वो बैठता है। क्या ऐसी तुच्छ छोटी सोच का व्यक्ति, इतना बड़ा अनपढ़ जाहिल व्यक्ति संसद में चुन के गया है? वहां की जनता को भी इसने अपमानित कर दिया जिसने इसको वोट दिया है, और उस जनता को अपमानित कर दिया जिन्होंने विधायक जी को बनाया है। तो ऐसे लोगों के बारे में इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों की बातों को ना सुना जाए और ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है, इनको तो समाज से बहिष्कार करके बाहर कर देना चाहिए। इधर है आप अखिलेश यादव हैं, वो भी बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा को एक्शन लेना चाहिए, विधायक को बाहर कर देना चाहिए।
अब अखिलेश जी मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी ने 2 जून 1995 को मायावती जी का चीरहरण होने से बच गया था, वो एक कमरे में बंद हो गई थी। उन्होंने 2 जून 1995 से, आप गूगल कर लेना, उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। मायावती जी ने साड़ी पहनना छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया था कि समाजवादी गुंडों से जैसे तैसे उनकी इज्जत बची थी, और उस इज्जत को बचाने वाला और मायावती जी को बचाने वाला उस दिन एक बीजेपी का ही और संघ का विधायक था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने उस बचाने के बाद में समाजवादी गुंडों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये लोग क्या जाने मर्यादा क्या होती है। इनके वही मरहूम पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा था बलात्कारियों के लिए कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो इनकी मर्यादा हम क्या बताएं, ये तो खुद ही सब जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जनता जानती है कि इनकी क्या मर्यादा है। तो ये ना अपने बड़ों की मर्यादा जानते हैं, ना छोटों की जानते हैं, ना कुछ नहीं जानते, ये लोग तो बेकार हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अब मामला बढ़ता जा रहा है, कहीं छोटे से चैनल से लेकर के अब पूरा दिल्ली तक पहुंच गया ये मुद्दा, क्या माट की जनता क्या सोच रही है, माट की जनता कैसे जवाब देगी? माट की जनता विधायक जी के साथ है, पूरी तरह से विधायक जी का समर्थन में, और चंद्रशेखर रावण का इंतजार कर रही है, वो कब आए यहाँ और उसको हम जवाब दें। माट बुलाना चाहते हैं, मथुरा बुलाना चाहते, माट बुलाना चाहते हैं, और माट बुला के वो यहाँ के बोले, ऐसे यहाँ के बोले ना, ऐसे तो पता नहीं दूर दूर से कि पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, यहाँ की जनता के सामने बोले, जब उसको जवाब मिलेगा। सीधा माट की जनता का अपमान है, बिल्कुल जनता का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है, पूरे देश की बरादरी का अपमान है, इसने पूरी बरादरी का अपमान किया है। अब जैसा कि कुछ कुछ कयास लगा जा रहा है, जैसे कि अब हरियाणा में है चुनाव होने वाला है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजेश चौधरी का जो कद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, जाट नेता चेहरा उभर के आ रहे हैं, तो इसलिए उनको इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इन लोगों के ना घटाने से कद घटता है, ना बढ़ाने से इनकी औकात ही नहीं है, ये तो जैसे तैसे करके कोई एक आधी सीट ले गए गुणा भाग करके झूठ बोल के, जिन लोगों की, ये गरीब लोगों की जिनकी राजनीति करते हैं, क्या कभी गरीबों के घर में जाके देखा है इन्होंने, क्या गरीब के लिए कुछ इन्होंने किया है? मायावती जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति अपने भाई के लिए कमाई, क्या क्या और किसी समाज के व्यक्ति को दी? जी अभी इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में दलितों को, जो एससी वर्ग से आते हैं, उनको अच्छी तरह से पिटवाया है, उनकी खूब सेवा की है, जिन्होंने इनको खुद वोट दिया था उन्हीं को इन्होंने पीटा है, इनके गुंडों ने, ये गुंडा प्रवृत्ति के हैं, गुंडे ही शब्द यूज करेंगे, ये नहीं जानते कि शब्दों की मर्यादा क्या होती है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हमको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो सीधा सीधा कह रहे हैं जूते मारेंगे। हाँ तो ये इतना ही जानते हैं ना, और हम ब्रजवासी अलग अलग टाइप के, हम लोग इनका वेलकम करने के लिए बैठे आए, इनका स्वागत है, हम जूते खाने के लिए बैठे, हम भी तो देखें इनके पास कितने जूते और हमारे पास क्या है, हम भी इनके स्वागत के लिए बैठे आए हमारे ब्रज क्षेत्र में और अपना वेलकम कर। क्या लगता है एक माननीय सांसद होकर के, एक माननीय विधायक के लिए इस तरह की शब्दों की चयन, ऐसे शब्दों का चयन किया जाना चाहिए? देखो ये माननीय तो है ही नहीं, अगर जो ये शब्द जो कर रहे हैं ना, इनको पद दे दिया है माननीय का, लेकिन ये माननीय वाले इनके शब्द ही नहीं है। माननीयों का शब्द तो अलग ही होता है, वो अपनी प्रजा को देखते हैं, अपनी जनता को देखने, अपने क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है, ऐसी ये अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते। कह रहे हैं मायावती दलित वंचित महिला है, उनके ऊपर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया? हाँ तो ये भी तो दलित और वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, जो अभी तो आपने देखा है कल परसों इनके संसदीय क्षेत्र में इनके गुंडों ने कितनी बढ़िया राजनीति की है, कितना सम्मान किया दलितों का, तो ये मायावती जी का तो जब करेंगे भाई, ये मायावती जी का तो जब करेंगे, जब पहले ये अपने वोटरों को तो कर लें, इनके पास वोटर जाते हैं, इनके गुंडे उन्हें मार मार के भगाते हैं, पीटते हैं, और क्या राजनीति कर रही है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं राजेश चौधरी को भाजपा से निकाल देना चाहिए, ऐसी मर्यादा की भाषा नहीं प्रयोग की करनी चाहिए। अभी अखिलेश जी के तो सरकार में जितने भी अखिलेश जी के मंत्री रहे, संतरी रहे, विधायक रहे, वो पूरे गुंडे प्रवृत्ति के, अभी आपने देखा वहाँ पे बलात्कार होता है, वो पूरा ये बचाने में बचे हुए हैं अपने विधायक को। अयोध्या में बलात्कार हुआ है छोटी सी बच्ची का, दलित बच्ची का, तो ये क्यों नहीं उनको मतलब देख रहे, उनको देखना चाहिए। तो बाबा तो हिसाब कर रहे ना, बुलडोजर चला के। भाई बाबा का तो काम ही है, बाबा आए इसीलिए, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे मायावती जी का हो, चाहे अपना हो, सभी का हिसाब बराबर करने आए, जो गुंडा है वो गुंडा ही छोड़ेगा और छोड़ चुके,
जो नहीं छोड़ रहे उनको सुधार रहे बाबा। अब तो गुंडे तो कह ही रहे ना, सीधा सीधा गुंडों वाले प्रवृत्ति वाले के जूते मारेंगे विधायक को। हाँ तो इनको भी सुधारा जाएगा, वक्त आ रहे तो योगी जी कर देंगे इलाज पक्का। बिल्कुल पक्का इलाज कर देंगे और पक्के से पक्का कर देंगे और करते आए। जो भी अगर ना सुना हो तो बहुत आदमी पीछे रह गए उनका, देख लें आगे इंटरव्यू क्या देते थे और पीछे क्या हुआ उनका। अच्छा होगा। जी भाई साहब क्या नाम है? पवन कुमार अग्रवाल। आप कैसे देख रहे हैं अग्रवाल साहब, आप एक व्यापारी हैं, एक विधायक के लिए इस तरह के, आपके विधायक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है? ये चंद्रशेखर रावण ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। राजेश चौधरी जो विधायक हैं हमारे मांड क्षेत्र के, वो बड़े ही कर्मठ जुझारू, ईमानदार और बड़े ही साहसी विधायक हैं और जनता ने उन्हें ढेर सारे वोटों से विजयी किया है और वो एक होनहार नेता है। और उस व्यक्ति के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस चंद्रशेखर आजाद को शर्म आनी चाहिए। इसने इतनी घटिया शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, चलो पक्ष विपक्ष में कि कोई भ्रष्ट है कि कोई नहीं है, ये शब्द तो चल सकते हैं, कोई भ्रष्ट है कि नहीं है उस चीज़ का खंडन करो, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम किसी को जूतों से पीटोगे विधायक को। ये तो हमारे मांड क्षेत्र की जनता का अपमान किया है, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। उस जनता कैसे जवाब देगी? जनता हर तरीके से जवाब देगी उस आदमी को, उसका मुंह भी काला कर सकती है जनता। यहाँ की जनता में आक्रोश है, मांड क्षेत्र की जनता में, और जनता ये इंतजार कर रही है वो कब आए और कब हम उसे समझाएं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी सांसद को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। और जबकि राजेश चौधरी तो बहुत अच्छे नेता हैं और वो बहुत ही सभ्य भाषा शैली है उनकी, और उनके लिए जो चंद्रशेखर रावण ने जो भाषा का प्रयोग किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, निंदा का मतलब है हम विरोध कर रहे हैं उनका, विरोध के बाद में हर तरीके से उन इस तरीके से जो भाषा बोल रहे हैं, इस तरीके से उनकी कोई राजनीति चमकने वाली नहीं है जैसे वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। है उस रावण का भी घमंड नहीं रहा, ये चार दिन के रावण क्या करेंगे, ब्रज में आए और अपना वेलकम करवाए, हम जूते लेके हम भी खड़े। ब्रज से तो कंस का भी आतंक खत्म हो गया था। कंस का भी आतंक पब्लिक ने ही खत्म किया, भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण राजेश चौधरी है यहाँ आके देखे और अपना वेलकम करवाए, जूतों से करवाएंगे या किससे करवाएंगे ये उनकी मर्जी है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो कैसा स्वागत करवाना चाहते हैं। क्या नाम भाई साहब? दिनेश चौधरी। तो दिनेश जी चौधरी हैं आप? जी साहब। जाट पक्के? तो जाटों को तो जूते पड़ने वाले हैं। अब कौन मारेगा? चंद्रशेखर रावण। जब रावण दसानन रावण नहीं रहा तो इसकी क्या औकात है? अगर ये मथुरा में आ जाए तो इसकी बोटियों को नोच नोच कर खा जाएंगे इस क्षेत्र के लोग। वो कौन नहीं जानता? राजेश चौधरी उस विधायक का नाम है जिन्होंने 40 साल के तिलिस्म को तोड़ा है और माट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और उसके लिए ये ऐसी अभद्र भाषा की टिप्पणी करता है। दो पैसे के दो कौड़ी का एक व्यक्ति जो अपने आप को रावण कहता है, जब वो रावण नहीं रहा तो इसकी क्या औकात? ये तो कुछ ही चंद दिनों में मिट जाएगा, जैसे उसका नामो निशान मिट गया ऐसे ही ये मिट जाएगा। अगर मायावती के लिए दो शब्द क्या बोल दिए, रावण को इतनी तकलीफ हो गई? अरे ये उसी की पैदाइश है जिस तरीके से मायावती कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, तो उसी वही खून है इन लोगों में, वही मानसिकता के ये लोग हैं। अगर भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाई चोर को तो चोर कहा जाएगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। जब इनको इतनी पीड़ा भ्रष्टाचार जी कहने से होती है तो ये भ्रष्टाचार करते क्यों हैं? जब भ्रष्टाचार करेंगे तो लोग इनको भ्रष्टाचारी कहेंगे और खुले मंच से कहेंगे, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं। आपको क्या लगता है जिस तरह के एक माननीय सांसद के शब्द हैं वो माट की जनता को सही लगेंगे क्या? अरे माट की जनता को नहीं, वो पूरे देश की जनता को भी सही नहीं लगने लगेंगे। और अब कहने को उसने वहां पर बोल दिया, अरे वो यहाँ यानी आकर दिखाए ना, उसके लिए खुलखुला चैलेंज है। वो तो जूते मारने की बात करता है में, यानी जूतों की माला डाल करके उसके
तो क्या दिखाई देता है जिस तरीके से माट की जनता के अंदर तो आक्रोश है, एक तरफ कहीं ना कहीं दलित और जाट वाला कोई काट नहीं है पत्रकार जी, ये तो भ्रष्टाचारी को अगर भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, कोई भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचारी जाट भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, तो वो जाति विशेष नहीं होता है, वो तो एक भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं अगर विधायक ने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो पार्टी ने बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे उन्होंने तो उसकी अस्मिता लूटने का प्रयास किया, जब यानी जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, अगर वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता न होते तो उस दिन न जाने बहन मायावती जी के साथ क्या क्या, ये तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने यानी भाजपा के कार्यकर्ता थे यानी हुकम देव तिवारी थे शायद, उन्होंने वहाँ पर लाठियाँ बरसाई और उसकी जान बचाई, ये उसी यानी सपा के लोग हैं जो आज अरे तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वोट के लिए बाकी कुछ नहीं है इनके पास, अपना इनका अस्तित्व अब खतरे में है, इस तरह से ये जातिवाद की ही राजनीति कर सकते हैं, बाकी विकास और राष्ट्र की बात ये नहीं कर सकते। आपको लगता है कि जाटों का अपमान नहीं हुआ इससे? देखिए जाटों का अपमान तो हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो सामने आए, इस क्षेत्र में आए, तो यहाँ की जनता उसको सबक अवश्य सिखाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो किस तरीके से जनता तैयार है जवाब देने के लिए? जूते से। तो वो तो दे ही रहा है तुम्हें, तो यहाँ तो आए, अगर वो पूरे मथुरा में कहीं भी आकर दिखाए तो उसको उसने तो बोला है, और यहाँ की जनता जूतों से उसकी खाल उधेड़ने का काम करेगी, ये हम कह ही नहीं रहे, वो यहाँ आकर दिखाए तो हम करके भी दिखाएंगे, करके दिखाओगे पक्का? क्या भाई सब करके दिखाओगे? बिल्कुल पक्का एकदम जी, करके दिखाएंगे। चैलेंज दे दिया है विधायक को जूते पड़ने की, हम भी खुला चैलेंज दे रहे हैं उसके लिए, हम भी जूते देंगे, उधेड़ देंगे। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। देखिए मेरा यही कहना है कि किसी को भी जाति विशेष से नहीं तोलना चाहिए, सबसे मेन चीज ये, और दूसरी चीज ये कि हम सब सभी जातियां एक हैं, इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए और इंसानियत के दायरे को लांघना नहीं चाहिए, उसकी जो सीमाएं उसको कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जैसे उन्होंने किया ये गलत किया है, किसी भी विधायक को अपशब्द बोलना ये गलत बात है। और रही बात उसकी जूते मारने की, तो कहने से कोई जूते मार देगा क्या? इतनी औकात थोड़ी नहीं है कि कोई जूते मार देगा हमारे यहाँ आके, पिटे जाओगे यहाँ से। हाँ क्या भाई साहब, क्या नाम है? सही कह रहे भाई साहब। ये बताओ क्या विधायक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होना गलत गलत है? ये शब्द निंदनीय है, कोई गलत अपशब्द बोले तो वो निंदनीय है। निंदनीय है तो जनता क्या जवाब देने वाली है? जनता रहेगा, विधायक को तो जूते पड़ेंगे, विधायक को अपमान रहे हैं तो माड़ विधानसभा क्षेत्र को अपमान करो, माने पूरी क्षेत्र को अपमान है, ये गलत है, और किसी के बारे में ऐसे अपशब्द ना बोलने चाहिए। और बता भैया तुम वो कम है किसी से? 40 साल को विधायक जो जीते भाव वहाँ हराए हुए, तो आपको मतलब कम है वो? हाँ दादा, क्या कहना चाहोगे? सही है साहब, विधायक को जूते पड़ेंगे अब तो उसको भी हम मारने के लिए हकदार हैं, धड़ धड़ बजाएंगे उसके ऊपर, धड़ धड़ बजाएंगे, हाँ उसकी खाल को उधेर के डाल देंगे, अगर हमारे विधायक में भी आँच आई तो आप सुरक्षा कवच बन जाएंगे विधायक के? हाँ जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, बहुत जोर जोर से मारेंगे उसको, हमारे अगर विधायक के लिए आप सब जब भी क्या है तो पूरे माट की जनता मथुरा की जनता को अपमानित कर रहे हैं वो, सभी के लिए है कि हम जोर जोर से मारेंगे। हाँ क्या नाम है भाई? अंकुर पाठक। तो पाठक जी क्या कहेंगे, एक चंद्रशेखर रावण हैं आपके विधायक को जूते मारने की बात कर रहे हैं? देखो राजनीति से प्रेरित बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केवल एक मीडिया में छाने के लिए, और न तो चंद्रशेखर रावण ही मतलब जब से सांसद बना है तब से आपने देखा होगा केवल एक जाति विशेष के लिए कार्य करता है और जाति विशेष के बारे में बोलता है, तो देखना चाहिए सब लोगों को, उसी हिसाब से करना चाहिए।